यहाँ नहीं काम करेंगे, यहाँ के लोग बाहर जाके दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र जाके काम करेंगे 12 घंटा। क्यों करेंगे? चलिए हम आपके यहाँ काम करते हैं, नौकरी दीजिएगा हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से। चलिए दो दिन नौकरी। इन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू किया जाएगा, क्या चीनी मिल चालू हुआ? हुआ है भैया, रोड बिजली ये दो चीज बिल्कुल सुधर गया। अपना कमाएंगे अपना खाएंगे तो हम टैक्स क्यों भरेंगे? ये करना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो जितने युवा है उनको रोजगार देना चाहिए। तो कांग्रेस क्या दे दिया 75 साल में, कोई गिनाए हमें? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूँ आपके साथ सुवम कृष्णा। देखिए देश में चुनावी बिगुल बज चुका है, अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो लोग हैं भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रहे हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम है मोहम्मद साहिद जमाल। अच्छा, एक बात बताइए, किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट करेंगे? ये हम विकास पर ही वोट करना है। हाँ। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, झूठे हाँ। वादों पर वोट नहीं करना है। हाँ। जो लगातार 2014 से आज 24 आ गया, इलेक्शन आ गया लोकसभा का, 19 अप्रैल से 21 जून तक चलेगा, 7 चरणों में हमारे भारत में लोकसभा का इलेक्शन होगा। हम प्रधानमंत्री एक अच्छे व्यक्ति को चुने जो हमारे देश का विकास की बात करे। मतलब आप वर्तमान प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि वही कहते हैं कि भैया हमने देश में विकास किया है, विकास की गंगा बहाया है। वन मिनट, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन्होंने 2014 में बिहार आए थे तो इन्होंने चुनावी भाषण में कहा था कि 26,000 करोड़ रुपया बिहार के डेवलपमेंट में हम देंगे। क्या इन्होंने आज तक दिया? इन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू किया जाएगा, क्या चीनी मिल चालू हुआ? तो वो तो कह रहे हैं कि भैया हमने 370 हटाया, हमने राम मंदिर बनवाया, तो इन मुद्दों पे आप क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर हो या मस्जिद हो, जब तक नहीं हम कोई काम करेंगे तो पेट हमारा भरेगा नहीं। हम नमाज 24 घंटा पढ़े, उससे क्या पेट भर सकते? किन मुद्दों पे आप लोग इस बार वोट करने वाले हैं? वोट तो करेंगे लेकिन अच्छा जो काम करेंगे उन्हीं किन मुद्दों पे? वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? काम तो कर ही रही है अच्छा, 370 हटाया, राम मंदिर बनवाए, बहु ऐसा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भैया बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई है तो क्या किया जाएगा, सबके लिए महंगाई है, ऐसा थोड़ी है कि गरीब के लिए खाली महंगाई है, अब अमीर के लिए नहीं है महंगाई। अमीर के पास तो पैसा है तो उसको महंगाई से क्या दिक्कत? पैसा है तो पैसा थोड़ी खाएगा सर, पैसा तो नहीं खाएगा। अच्छा ठीक है, युवा भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। किन मुद्दों पे आप लोग वोट करने वाले? क्या नाम है सबसे पहले तो ये बताइए। मेरा नाम राहुल हुआ। राहुल जी, किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? सबसे मेरा अगर वोट देने का अधिकार बनता है तो हम सबसे पहले बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो दर बढ़ते जा रही है। सरकार खत्म नहीं कर रही है बेरोजगारी को? बिल्कुल नहीं खत्म कर रही है, बल्कि युवा को बरगला रही है। वर्तमान सरकार तो कह रही है कि भैया विदेशों में डंका बज रहा है उनका। आप ये बोल रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, तो ये मतलब ये प्रेजेंट स्थिति में अगर हम लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, अगर जो भी हम लोगों का नीड है, बेसिक जो नीड है, अगर उसको फुलफिल कर ही नहीं रहे हैं, और आप जो है युवा को बड़गला कर, क्या क्या करना चाहिए था वर्तमान सरकार को, ये बता दीजिए दर्शकों को। ये करना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो जितने युवा है उनको रोजगार देना चाहिए। दूसरा बात है कि जितना भी अभी बिहार का बता रहे, बिहार स्टेट का बात बता रहे, स्वास्थ्य जो स्थिति, स्वास्थ्य का जो स्थिति है, मतलब स्वास्थ्य मंत्री, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण। क्या आएंगे आपके पास फिर से? क्या नाम है आपका? सिकंदर सिंह। सिकंदर सिंह जी, कहाँ से हैं आप? हम सासाराम से हैं। सासाराम से क्या माहौल लग रहा है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करने जा रहे हैं सासाराम के लोग? विकास के मुद्दे पर, और क्या। तो विकास हुआ कि नहीं हुआ इन 10 सालों में? हुआ है भैया, रोड बिजली ये दो चीज बिल्कुल सुधर गया। ये मतलब फिर से वर्तमान सरकार को चुनेंगे? क्यों नहीं चुनेंगे? आप चुनिएगा कि नहीं वर्तमान सरकार को? बिल्कुल नहीं चुनेंगे। कह रहे हैं नहीं चुनेंगे। इनकी सुन लेते हैं, क्यों नहीं चुनेंगे ये बता। युवा है हमारा जो नीड है वो अगर हम नहीं फुलफिल कर रहे, युवाओं की नीड क्यों नहीं पूरी कर रही है आपकी ये सरकार? हम बता रहे हैं सर, इनकी उम्र हमको लगता है कि 20 या 25 होगा। वो दिन देखे नहीं है? वो दिन कौन दिन की बात कर रहे हैं? 15 साल लालू वाला देखे कहाँ है? ये देखे हैं क्या? फिर मोदी जी ये क्यों बोलते हैं कि अपना पूरा, सुनिए,
विकसित बनते जा रहा है मोदी जी, ये बात क्यों बोल रहे हैं? विकास नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, लेकिन वो सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं जहाँ पे युवा का भलाई हो, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे सिचुएशन पे ऐसे मतलब मुद्दा को क्रिएट करते हैं, राम मंदिर मान लीजिए कि राम मंदिर बना मेरा आस्था का केंद्र है, हम उसको एक जगह रखते हैं, क्या जो हमको बेसिक नीड है खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो राम मंदिर, राम मंदिर अगर मुस्लिम कहे कि मस्जिद राम मंदिर करे तो क्या उसका बेसिक नीड फुलफिल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये बेसिक नीड की बात कर रहे हैं, ये महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि देश में महंगाई बेरोजगारी है? है भैया, इतना आसानी से इतना बड़ा देश है तो सरकारी जॉब सबको कोई दे सकता है? ऐसा है कहीं? इतना बड़ा देश में सरकारी जॉब किसी को कोई किसी का भी सरकार है? आप युवा है, क्या नाम है आपका? अमन राज। किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? जो रोजगार का बढ़ावा देगा, रोजगार देगा। कौन? वर्तमान सरकार रोजगार का बढ़ावा दे रही कि नहीं रोजगार को? लोकसभा या विधानसभा के बारे में? लोकसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में जो जैसे कांग्रेस ने बताया अभी कि 30 लाख जैसे पहले कैबिनेट में हम दे देंगे, तो उस तरीके से जब मुद्दा मोदी जी का भी कुछ होना चाहिए ना कि हाँ बेरोजगार के। तो वर्तमान सरकार कैसा काम कर रही है अभी तक, 10 सालों में कैसा काम हुआ है? देखिए 10 साल में काम ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हाँ। हर क्षेत्र में होता है, हाँ। लेकिन जो हिसाब से जो जितना बेरोजगारी बढ़ा है उसको भी मुद्दा उसी काम पर इस बार आप लोग वोट करेंगे कि परिवर्तन के नाम पे करेंगे? परिवर्तन के नाम पर और रोजगार के नाम पर। तो परिवर्तन करना है, इस सरकार को बदल देना है, हाँ, जरूरी है, डेमोक्रेसी में वही होना चाहिए। वर्तमान सरकार कैसा काम कर रही है? बस बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। पूरे देश में, पूरे भारत में के गो रोजगार दिए बोले थे कि पूछ लेते हैं इन्हीं से, चश्मा लगा के तो हीरो लग रहे हैं, थोड़ा सा इनके सवालों का जवाब दे दीजिए। क्या बिहार में रोजगार की कमी है जी? यहाँ के लोग कामचोर हैं, जाके दिल्ली 12 घंटा काम। बिहार के लोगों को कामचोर बोलो और क्या बोलते हैं? यहाँ के लोग नहीं काम करेंगे, यहाँ के लोग बाहर जाके दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र जाके काम करेंगे 12 घंटा। क्यों करेंगे? चलिए हम आपके यहाँ काम करते हैं, नौकरी दीजिएगा हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से, चलिए आप दोगे नौकरी, आपकी सरकार देगी नौकरी। सही बात है, देंगे आपकी सरकार नौकरी। हम तो नौकरी देते हैं हमारे मतलब काबिलियत के हिसाब से देते हैं, हम तो नौकरी देते हैं, प्राइवेट नौकरी। आपको प्राइवेट ही चाहिए, आप दे दीजिएगा। बीजेपी वाला चश्मा उतारने का ही है इनको, इनको चश्मा उतार के बात उतार के बात कर लीजिए। बिहार में 2014 जब मोदी जी आए थे तो कहे थे कि भाई और बहनों मैं बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे और 2000 करोड़ रुपया देंगे पैकेज। दिए कि नहीं दिए? हाँ दिए, जुमलाबाजी निकल गया। कहे नहीं दिए भैया? 2000 करोड़ के चक्कर में मत रहिए, अपना कमाइए, अपना खाइए, ज्यादा पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पड़िए। पकौड़ा तलिए कौन कह रहा है? पकौड़ा तलिए और खाइए, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे तो हम टैक्स क्यों भरेंगे? टैक्स क्यों भरा जा रहा है? हर चीज पे टैक्स क्यों देंगे? इसीलिए 2 करोड़ का फाइटर प्लेन पे चढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ का मोदी जी सूट पहने मिलता है वो टैक्स हमी को वापस मिलता है, किस रूप में मिलता है ये भी बताइए। अब इतना रेल पुल सड़क ये सब जो मिलता है ये सब तो मिलता नहीं, टोल हमसे ले लिया जाता है, और हम जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 12% बेस प्राइस पे 12% वसूला जाता है, जीएसटी अलग है, वो बेस प्राइस पे 12 है। अभी बिहार के पेट्रोल का दाम कम हो गया है, सुनिए बिहार में 40 का 40 आएगा बिहार में, और जो सच्चा बिहारी रहेगा वो नरेंद्र मोदी को ही वोट देगा, रहेगा वो नरेंद्र मोदी को ही वोट देगा। भैया ये भैया कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए को 40 में 40 सीट आएगी, आप लोग क्या करें? आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आज ये बोल रहे हैं, ये राशन ले रहे हैं, ये 5 लाख का इलाज करवा रहे हैं, शौचालय ले रहे हैं, एम्स बनवा रहे हैं, मेट्रो बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, किन्हीं ने बोला कि टैक्स नहीं देंगे? ये जो मेट्रो में घूम रहा है, ये जो बढ़िया सा रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं, ये उस दौड़ लाना चाहते हैं। हम आपको बता देते हैं, आज ये अभी ट्रेन से जाएंगे ना, इनके पास पूछिए टिकट है, इनके पास टिकट है, सही बोल रहा है। सामने ले आते, इधर आइए,
टैक्स नहीं देंगे। आप कल्पना कह रहे कि हम टैक्स देते हैं, आप ये कहते हैं कि राष्ट्र का नाम पे मंदिर के नाम पे इनको पता नहीं है, क्या कह रहे हैं? टैक्स तो देना पड़ेगा, टिकट है, टिकट बिल्कुल है, ये कह रहे कि नहीं, इनका अपना माइंड सेट है, क्या कीजिएगा? लालू यादव जो है, लालू यादव का भी परिवार 15 साल राज किया, उस टाइम नौकरी का है नहीं ले लिया, अब ये नौकरी का है मांगते हैं? उस टाइम हम कितने उम्र के थे भैया? कितना उम्र था मेरा? आपके पापा होंगे ना? अरे 1990 के दौर में खड़ा होते यह स्टेशन था, लेकिन भैया लोग तो पापा कहते थे नमक रोटी खा लेना बेटा, लेकिन उसको वोट नहीं। यूक्रेन और इजराइल को जानते हैं कितना समृढ़ देश, तो आइए आप बोले कि आप टैक्स नहीं देंगे, ये बोलते हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट लेता है, ये बोलते हैं 370, जब हमारा देश ही नहीं रहेगा। इजराइल और यूक्रेन समृद्ध देश है, लेकिन आज उसका स्थिति देख लीजिए, अगर ऐसे लोग आटा चावल पे बिक जाएंगे, अगर ये लोग फ्री का हो जाएंगे तो ये लोग वही हसल हो जाएंगे। फ्री पे ही तो लोग टिक गए, तो नहीं हम आटा चावल पे कौन खरीद रहा, मोदी ही तो खरीद रहा, मोदी जी ही तो कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना ही चाहिए, हम इसका वाले हैं, ये लोग फ्री अनाज लेने वाले हैं तो बोले। अरे भैया तो कांग्रेस क्या दे दिया 75 साल में, कोई गिनाए हमें? अरे कांग्रेस के पास खाने के लिए नहीं है ना, वही मोदी को वोट नहीं देता है, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, हम अनाज नहीं लेते, सरकार को हम अनाज देने के लिए हम खड़ा है। आप सरकार को अनाज, हम सरकार को अनाज देंगे भैया, बांटो, सरकार तो आपको अनाज देगी ना? सर नहीं, हमको चाहिए, हम सरकार को अनाज देंगे, सरकार आपको। चलिए ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।